नमस्कार, आजमगढ़ से बड़ी खबर। पुरानी रंजीश को लेकर पुत्र के सामने पिता की निर्मम हत्या। लाठी डंडे राड से मारने के बाद ट्रैक्टर से कुचलकर की गई निर्मम हत्या। जी हां, उस खबर आजमगढ़ से है। तहवरपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर के पास बुधवार की शाम को घर आ रहे पिता को बेटे के सामने गाँव के मनबड़ों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसे देख बाजार वासी सन्न रह गए और लोगों में अफरातफरी मच गई। तहवरपुर थाना क्षेत्र के खाजेपुर गांव के रहने वाले जगदीश यादव 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम समूह यादव दिल्ली में रहकर ट्रेलर चलाते थे। क्या नाम है आपका? प्रवीण यादव। हाँ, प्रवीण यादव। कहाँ के रहने वाले? खाजेपुर, ग्राम खाजेपुर। थाना? थाना तहवरपुर। कैसे घटना हुई? घटना हमारे पिताजी से वहाँ से आए हैं। क्या नाम है? गाड़ी चलाते हैं बनारस से। बनारस गाड़ी खड़ी कर आए हैं यहाँ पे, फिर अलीपुर उतरे हैं। उसके बाद वहाँ जब घर जाने के लिए हुए हैं तो इनको उनकी दुकान हो, दोनों मतलब दुश्मन हो हमारे पुराने लोग। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, एक का नाम मंगल था, एक का नाम सतीश और एक का नाम बुद्धू। तीनों लोग थे। हाँ, पहले राड से मारे, फिर उसके बाद ट्रैक्टर चढ़ा दिए, फिर ईटा से पूछे। गोली भी मारे है ना? गोली ना होता गोली। तो कितने बजे घटना है? चार। अच्छा, तो मतलब आपके पिताजी कितने लड़के हैं? दो लड़के, तीन लड़के। अच्छा, तीन। क्या उम्र है? क्या पिताजी की उम्र? 50 के लगभग। हाँ, जैसे उनके पिताजी क्या नाम है? फूलचंद यादव। मर गए। और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बुधवार की शाम को दिल्ली से जब घर आ रहे थे तो निजामाबाद बाजार में अपने घर फोन कर अपने छोटे बेटे हिमांशु को बुला लिया और साथ पैदल ही घर के लिए चल दिए। जैसे ही अलीपुर के पास पहुंचे कि 2005 से गांव के ही सतीश मंगल गुड्डू पुत्र स्वर्गीय केदार यादव चली आ रही पुरानी दुश्मनी को लेकर पहले ही तीनों वहीं घात लगाए अपनी दुकान पर बैठे थे। कहाँ के रहने वाले? खाजेपुर। थाना? थाना तहवरपुर। मृतक के क्या हैं? मृतक के भाई हैं। क्या हुआ था मामला? सर, हुआ कुछ नहीं था। हमारा भाई अभी जो है वो आ रहे थे, जो गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी बनारस कहाँ खड़ी की है नहीं मालूम है, लेकिन जो वहाँ से खड़ी करके आए हैं वहीं जो है रास्ते में जो अलीपुर बाजार रही में ये लोग। कौन कौन है मामले? मारने वाले सर हमसे रंजिश चलती है उनकी, जो है किनसे? वो रमेश यादव के परिवार के लड़के थे तीन, जो मारने वाले लोग यही बता रहे हैं। किस चीज़ की मतलब जमीनी रंजिश? जमीनी रंजिश का मतलब सर वो दबंग है पूरे गांव में, पूरे गांव की जमीनें कब्जा की, हमारे भी जमीन कब्जा करना चाहते थे। हम नहीं, हम दरखास्त देते थाने पर, हमको भी कई बार मारे पीटे, हमको भी गोली मारे थे अनवरगंज बाजार में, मरवाए थे, मारे थे। उसमें जो मुकदमा आज भी विचाराधीन है न्यायालय में। उसके बाद जब उसके उनके भाई की उसके पहले हत्या हुई थी, उसमें निर्दोष हम चार भाइयों को बझाए थे, पूरा इलाका जानता है, लेकिन उनके नॉलेज में यही है कि हम लोग मारे थे। माने वो कहते हैं कि हम किस चीज़ से मारे हैं? हमारे भाई को जी, हमारे भाई को जो है राड डंडे और ट्रैक्टर चढ़ा दिए हैं और जो ईंटा से भी पूछे हैं। मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर ही मृत हो गई, जब यहाँ आने पर मृत घोषित कर दिया गया। तो यही ना। क्या नाम है आपके भाई का? हमारे भाई का नाम जगदीश यादव। पिता का नाम? उनके पिता का, हमारे पिता का नाम स्वर्गीय फूलचंद यादव। अच्छा, मृतक कितने भाई हैं? मृतक चार भाई हम लोग हैं। चार भाइयों कितने नंबर हैं? सभी लोग जीवित। नहीं नहीं, कितने नंबर मतलब? किस दूसरे नंबर के थे हम और लास्ट हैं? क्या चौथे नंबर? क्या करते सभी लोग? बस वही जो है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राइवर थे, एक और ड्राइवर थे तो बीमार रहते थे तो जो घर पर हैं हम। क्या इसकी पुलिस प्राथमिकता दर्ज हुई? नहीं सर, वही तो बात हो रही है कि यहाँ ये कह रहे हैं कि जो है निजामाबाद क्षेत्र में नहीं पड़ता है, तहवरपुर में आप FIR कराओ। जो है हम तो यही जानते हैं, यहाँ पुलिस इंचार्ज जो है चौकी इंचार्ज जो है जो से न्याय हमको मिलने की उम्मीद थोड़े नहीं। कौन से चौकी इंचार्ज? वहाँ की चौकी इंचार्ज जो है रसीदगंज चौकी इंचार्ज, वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बार बार कि जो मिल्की पट्टी गाँव है वो निजामाबाद में है। आप बार बार कह रहे हो कि हम सड़क जानते हैं, सड़क का थोड़ा ना एरिया होता है, वो तो जमीन का एरिया होता है ना। तो जमीन जहाँ तक मिल्की पट्टी के वहाँ तक निजामाबाद होगा, वो कह रहे हैं तहवरपुर में दरखास्त दो। तो अभी कोई अभी कुछ नहीं सर, हम इसी में अभी हमको उलझा रहे हैं, तो हम और क्या जो कहा FIR करेंगे। जैसे जगदीश यादव को आता देख
तीनों लाठी डंडे और राड लेकर उन पर टूट पड़े और मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। उसके बाद भी मनबड़ों ने अपने ट्रैक्टर से कुचलकर बेटे हिमांशु के सामने पिता की निर्मम हत्या कर दी और बेटा सब कुछ देखता रहा। उसके बाद मनबड़ फरार हो गए। पुलिस को कानों कान तक खबर नहीं लगी क्योंकि रसीदगंज पुलिस चौकी घटनास्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मृतक दो पुत्र और तीन पुत्री का पिता था। देखें विशेष रिपोर्ट में। ये देखिए, कल थाना तैवरपुर में अलीपुर बाजार में एक जगदीश यादव नामक व्यक्ति, कुछ लोगों ने रॉड मारकर उनकी हत्या कर दी। जिस संबंध में थाना तैवरपुर पर मुकदमा था। उनके अंतर्गत धारा 302, 307, 147, 148, 149 आईपीसी कंप्लेंट के लिए वादी द्वारा तीन लोगों को, सतीश, गुड्डू और मंगल को नामित किया गया है और दो अज्ञात व्यक्तियों को नामित किया गया है। सबको कब्जे पुलिस लेकर इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया। ये मैं बता चुका हूँ कि लोहे की रॉड मार के हत्या की गई है। इसमें पुरानी इन लोगों पे एक मर्डर की भी रंजिश थी और एक जमीन को लेके वो पिछला मर्डर हुआ था, तो जमीन और इस तरह मर्डर की रंजिश इनके बीच में।